महान त्याग। एक घने जंगल में बंदरों की बड़ी झुंड रहती थी। वे सब प्रसन्नता से जी रहे थे और सब उनके राजा से भी खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, हम इतने सालों से इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या महाराज? आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। एक बार वो इसका स्वाद चख ले तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? एक उपाय है, आम वृक्षों की जो भी डाली नदी पर झुक रही हो उन सबसे आम निकाल लो। बड़ी सावधानी के पश्चात भी एक रसीला आम नदी में गिर गया। एक मछुआरे को मछलियों के साथ फल भी नदी में मिला। अरे ये क्या है, शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। उसने अपने दोस्त को वो फल दिखाया। देखो, ये मुझे मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा, बहुत स्वादिष्ट है ये। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसे महाराज के पास ले जाओ। हाँ, शायद यही ठीक होगा। वो मछुआरा राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराज, ये फल मुझे नदी में मछलियों के साथ मिला। ये क्या है मंत्री? इसे आम्रफल कहते हैं महाराज। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। पर ये आम उगते कहाँ हैं? ये घने जंगलों में पेड़ों पर उगते हैं महाराज। ठीक है मंत्री, कल हम वहां जाएंगे। जाने की सारी तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में एकदम हल्ला मच गया। हैरान होकर सारे बंदर चिल्लाने लगे। ये आवाजें कैसी? बंदर है महाराज। सैनिकों से कहो हम आज आम के साथ बंदर का मांस भी खाएंगे। सारे बंदर घबरा गए। सैनिक बंदरों का शिकार करने लगे। महाराज, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है, हमें बचाओ। अरे अरे, धीरज रखो, मुझे सोचने दो। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सभी जल्दी से नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचो। बचना चाहते हो तो जल्दी करो। सब वैसे ही करें जो मैं कहता हूँ। अब मैं नदी के उस पार के वृदा पर झूलूंगा और तुम सब एक एक करने पार करके पहुँच जाओ। जल्दी से उस लंबी लता का एक सिर उस पेड़ को बांधो और दूसरा मेरी कमर को। बंदर राजा ने एक लंबी छलांग लगा के नदी के पार एक वृक्ष की डाली को पकड़ा। उसने देखा कि लता छोटी है तो उसने डाली को पकड़कर झूलना शुरू किया। बंदर एक एक करके पार करने लगे। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर खुद राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। उस क्रूर बंदर ने झट से नदी पार की और पेड़ पर चढ़ते ही बंदर राजा को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई न था। बंदर राजा का हाथ छूट गया, वो एक चट्टान पर जा गिरा और उसके सर पे भारी चोट लगी। उधर नदी के इस पार राजा वो सब देख रहे थे। चलो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की रक्षा की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। नहीं, मुझे यही छोड़ दीजिए, मेरी मौत नजदीक आ रही है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे सारे प्रजाजन सुरक्षित हैं। ये कहकर बंदर राजा मर गया। आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है। आलसी तोते।
एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। ये पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। जल्दी नीचे आओ, इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी, आप यूं ही चिंता कर रहे हो? ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी? मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी। वो आसानी से घोंसलों तक पहुंचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। मूर्ख ब्राह्मण। एक दिन गार्गया नाम का ब्राह्मण अपने गांव से जंगल की ओर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने निकला। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हुआ, एक वर मांगो। भगवान, मुझे संजीवनी दीजिए ताकि मैं किसी भी मृत को जीवित कर सकूं। भगवान शंकर ने उसे एक हरी वनस्पति दे दी। जब भी तुम्हें किसी मृत शरीर में जान डालनी हो, इस वनस्पति का रस तुम उस मृत शरीर पर लगा दो, वो मृत शरीर पुनः जीवित हो जाएगा। ये वनस्पति कभी भी नष्ट नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। अपने गांव लौटते हुए वो ब्राह्मण बहुत खुश था। इस संजीवनी से मैं मेरे गांव से मौत का भय दूर कर दूंगा। कोई भी दुखी नहीं होगा। मेरा महत्व सबसे बढ़कर होगा। शायद मैं गांव का मुखिया भी बन जाऊं। अचानक उसके मन में संदेह आया। कहीं भगवान ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? ये संजीवनी है या मामूली पत्ते, कैसे समझेगा? हा? उसी वक्त उसकी नजर रास्ते में पड़े एक बाघ के मृत शरीर पर पड़ी। इस जानवर पर इसका प्रयोग करता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे उसने संजीवनी के कुछ पत्ते अपने हाथों से मसल कर उसका रस उस मृत बाघ पर डाल दिया। बाघ जीवित हो गया। मुझे भूख लगी है। हाँ, ये संजीवनी ही है, ये जीवित हुआ। अचानक बाघ ने दहाड़ लगाई। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? जान बचाओ, भागो! लेकिन बाघ ने उसे देख लिया। बाघ ने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया और उस मूर्ख ब्राह्मण का अंत हुआ। बिना सोचे किया गया काम
आत्मघाती हो सकता है। कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे दिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। हाय, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले। इस बार कौवा वहीं पर छिप गया, उसे चोर को जो पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया, वो बाहर निकला। ए, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन है? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत पर। मैं क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ, अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। हाँ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। हाँ। उस समय तुम वो हार लेकर आओ और उस सांप के बिल में डाल दो। अरे क्या, हार सांप के बिल में डाल दूं? अरे पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वो चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ, उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। चाओ, चाओ। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। बिना कोई डर के कौवा अंडे डालने लगा और खुशी से जीने लगा। दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। खरगोश और कांटा चूहा। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें रहने वाले जानवर हमेशा झगड़ते रहते थे। हम हमेशा झगड़ते हैं, हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके। हाँ, हमारा एक राजा होना चाहिए। लेकिन राजा बनेगा कौन? फिर से झगड़ा शुरू हुआ। मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। राजा तो मुझे बनना चाहिए। एक बूढ़ा लोमड़ी जो कुछ ही दिन पहले उस जंगल में आ बसा था, अपनी गुफा से गरजते हुए बाहर आया। अरे ये शोर कैसा, बाहर जाके देखता हूँ। जानवरों ने लोमड़ी को उनकी तरफ आते देखा। क्यों ना इस लोमड़ी को ही हम अपना राजा चुने, ये ठीक रहेगा। जब वो बूढ़ा लोमड़ी उनके पास आया, हमें एक राजा की जरूरत है, क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? क्या किस्मत है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे बुरे दिन शायद खत्म हुए।
मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो मैं हिंसा का विरोधी हूँ, कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत्युदंड दूंगा। सभी जानवर प्रसन्न हुए। महाराज, हिंसा के विरोधी तो हम भी हैं, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा ही अपराधी को मार सकता है। अच्छा तो ठीक है। अगले ही दिन खरगोश और कांटा चूहा के बीच झगड़ा हो गया। ये बिल मेरा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे सबसे पहले देखा है। तुमने देखा ठीक है, पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था। तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ, उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अच्छा ये बात है तो हम राजा के पास चलते हैं। न्याय मांगने के लिए दोनों बूढ़े लोमड़ी के पास गए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्यों, क्या हुआ? दोनों जानवर एक साथ अपने झगड़े के बारे में लोमड़ी को बताने लगे। अरे जरा रुको रुको, मैं बूढ़ा हूँ, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता, जरा मेरे पास आकर कहो। दोनों जानवर बिना हिचकिचाए लोमड़ी के पास गए। अगले ही पल लोमड़ी उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। अब सब जानवरों को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए। अजनबी पर विश्वास करके तो हम फंस गए। अजनबी पर विश्वास करना उचित नहीं।